वेलकम टू विवान स्टडी गाइज, आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो नेशनल्स हो या इंटरनेशनल हो, उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, व्यूअर हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे हमारे पास से करंट अफेयर या किसी भी प्रकार की कंपटीटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को मैक्सिमम शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, अभी देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, यानी लॉन्च किया है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। और इस सैटेलाइट को पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण उसको रोक दिया गया था। और अगर बात करें कि पहली बायडू सैटेलाइट ने साल 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था और दिसंबर 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूजर को पोजिशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान कर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, 2012 में 2000 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसकी सेवाएं 2012 से एशिया प्रांत में प्राप्त हो रही हैं। और वो सेवाएं क्या हैं जो सैटेलाइट दे रहा है, वो यूज़र को पोजिशनिंग की सेवाएं, नेविगेशन, टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पर बात हो रही चाइना की, तो दोस्तों ये मैप में है चाइना जो रेड एरिया है, और चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी यहाँ क्या चलती है, रेनमिनबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग। ठीक है, करेंसी रेनमिनबी। और दोस्तों अगर हमें ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन ए है रूस, तो रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसियाँ कौन सी चलती है, रशियन रबल। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखेल मिसुस्तेन। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और ऑप्शन बी, जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो और नेशनल लैंग्वेज क्या है, जापानीज। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ की, शिंजो अबे। और करेंसी क्या चलती है, जापानीज येन। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2 और आज की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च करने की अभी हाल ही में घोषणा की है किसने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो गाइस, कोरोना के खिलाफ जो है लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दरों से उपलब्ध कराया जाना है। इसका मतलब इंदिरा रसोई योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को जो भूखे हैं या जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं जो रेड वाला एरिया है पूरा राजस्थान है, और यहाँ की जो कैपिटल है जयपुर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र, और चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। और अगर बात करें कि गाइस यहाँ पर राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटें जहाँ पर जो है राजस्थान में 10 हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि यानी ATT आर्म ट्रेड TT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, तो चीन ने क्या किया है कि बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि यानी ATT आर्म ट्रेड TT में क्या हो गया कि शामिल होने का निर्णय लिया है, और चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। इस संधि के तहत क्या होगा कि वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री
और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और यहाँ पे बात आई चाइना की, तो हमने भी क्वेश्चन नंबर जो है 2 में बात की थी, लेकिन अगेन देख लेते हैं यहाँ पे, तो चाइना वर्ल्ड मैप में यहाँ है। और अगर बात करें कि चाइना की जो कैपिटल क्या है, बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग, ठीक है, याद रखेंगे चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। और दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस में कंट्रीज़ के नेम अवेलेबल हैं, अगर इनकी बात करें जैसे नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, और यहाँ करेंसी क्या चलती है, नेपालीज रुपीज़, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ कौन है, केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली, और यहाँ गवर्नर कौन है, बिंदिया भंडारी, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो है कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान, और करेंसी यहाँ क्या चलती है, पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है, याद रखेंगे पाकिस्तानी रुपीज़। और ऑप्शन सी रूस की बात करें, तो रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और करेंसी क्या चलती है, रशियन रबल, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखेल मिशुस्तिन, और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमिर पुतिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो हुआ क्या है कि जो पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से जो आवंटित की गई राशि है, और इसका करना क्या है कि इन वेंटिलेटरों को देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित COVID-19 अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। जो अस्पताल अलॉट किए गए हैं कि जो कोरोना वायरस का इलाज करेंगे, उन अस्पतालों में क्या होगा कि पीएम केयर फंड का जो धन है, जो 2,000 करोड़ रुपये जो आवंटित हुआ है, वो इन अस्पतालों में वेंटिलेटरों के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। और पीएम केयर फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, चाहे वो भोजन हो, आवास हो, चिकित्सा हो, उपचार हो, आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत यानी पीएम केयर्स फंड कोष का गठन किया था, जिसे उसी जो है पीएम केयर्स से जो है 2,000 करोड़ रुपए का भी क्या हुआ, आवंटन हुआ है, जो COVID-19 अस्पताल हैं जहाँ जो अलाउट किए गए वहाँ पे हेल्प के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसीम जाफर, ठीक है, वसीम जाफर। दोस्तों ये हैं वसीम जाफ़र, आप देख सकते हैं लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफ़र ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया था। वे पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं और उत्तराखंड की टीम 2018-19 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पिछले सत्र में टीम ग्रुप सी से ग्रुप डी में रेलीगेट हो गई। और वसीम जाफर 31 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट व 2 वनडे मैच खेल चुके हैं। उनके नाम सबसे ज़्यादा रणजी मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है, इसीलिए इनको क्या किया गया है, उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, दोस्तों ये मैप में उत्तराखंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड है, और इसकी राजधानी क्या है, देहरादून, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और आज की करंट अफेयर का ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की। कौन सी योजना गाइस, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी असम हो जाएगा। अब प्रज्ञान भारती योजना है क्या, तो असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना अभी हाल ही में शुरू की है। असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। और असम प्रज्ञान भारती योजना उन सभी श्रेणी के छात्रों के लिए लाभकारी होगी जैसे कि सरकार में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी, और सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए छात्र को लगभग 50,000 रुपये की एकमुश्त सब्सिडी देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये इसका लाभ है इस योजना का, और ये कहाँ स्टार्ट की जा रही है,
असम में, ठीक है गाइज, याद रखेंगे असम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी गाइज, अगर हम असम की बात करें दोस्तों, असम जो है नियर मैप में यहाँ पे है, देख सकते हैं आप असम, ठीक है। और असम की अगर बात करें तो असम की जो है कैपिटल क्या है, दिसपुर। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है असम में, आसामी चलती है, आसामी लैंग्वेज, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी असम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनेन, किसका दोस्तों, पूर्णिमा जनेन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कैंसर से कौन पीड़ित गाइस, ये पूर्णिमा जनेन, जिनका अभी कितनी उम्र की, कितनी आयु में उनका निधन हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 वर्ष, ठीक है। तो किसका, पूर्णिमा जनेन का अभी हाल ही में 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और क्या थी ये, भारतीय निशानेबाज थी। तो दोस्तों ये हैं निशानेबाज पूर्णिमा जनेन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है 42 साल की उम्र में, ठीक है। तो इनकी जो टीम या इनके जो जो चैंपियन ओलंपिक चैंपियन है, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं अभिनव बिंद्रा और सहित देश के निशानेबाज खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी निशानेबाज थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे मेडल्स वगैरह जीते थे, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है 42 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते इनकी इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या इस थी इनकी 42 ईयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म, पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। तो बताना गाइस, अपने जो है पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीम्स, ठीक है। और अगर हम बात करें टीम्स की, तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट ने पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप टीम्स का नया वर्जन लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल वर्जन है, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल वर्जन की तरह ही फीचर्स पाए जाएंगे, लेकिन इसे पर्सनल अकाउंट से ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले क्या होता था, नॉर्मली ऐसे यूज़ हो जाता था, लेकिन अभी क्या होगा, ये इसको केवल पर्सनल अकाउंट से ही यूज किया जाएगा। और ये एक तरह का मैसेजिंग हब है, ये जो टीम है टीम्स, ये एक तरह का मैसेजिंग हब है, और जहाँ पर सभी यूजर्स चैट, वीडियो और वॉइस कॉल कर सकेंगे, ठीक है। यानी चाहे चैटिंग करना हो, चाहे वीडियो कॉलिंग करना हो, चाहे मैसेजिंग करना हो, यहाँ से सारे कार्य एक जगह से ही कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे गाइज एक वर्ड आया है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि ये ऐप माइक्रोसॉफ्ट का था और माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसका नया वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्य नाडेला। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रेडमोंड वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट और पॉल एलन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास यानी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है, यानी मेन हेड के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक ने किसे हाल में वैश्विक विकास यानी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। तो इसका गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉरेंट बोक्विलेट, ठीक है, लॉरेंट बोक्विलेट, याद रखेंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में लॉरेंट बोक्विलेट को विश्व विकास डेवलपमेंट के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये हैं लॉरेंट बोक्विलेट, ठीक है, जिनको क्या किया गया है कि अभी जो ग्लोबल डेवलपमेंट के प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, यानी वैश्विक विकास के प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया है। और इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर उपयुक्त अधिकारी को खोज जनवरी 2020 में की गई थी, ठीक है, यानी इनको अपॉइंट कर दिया गया, पहले ही सजेस्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी इनका अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और गाइज अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे ऑप्शन ए वॉरेन बफेट, तो ये कौन है, वॉरेन एडवर्ड बफेट एक अमेरिकी निवेशक यानी इन्वेस्टमेंट करता और बिजनेस टाइकून और परोपकारी हैं, जो बर्कशायर हैथवे अध्यक्ष और CEO हैं, ठीक है, एक कंपनी है बर्कशायर हैथवे
कि इसको क्या है, इसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ दोनों हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी की बात करें, लॉरेन बैकविलेट, जिनकी हम बात कर चुके हैं अभी, जिन्हें वैश्विक विकास बैंक यानी ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक का इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन सी की बात करें, जेम्स कैमरून, तो जेम्स कैमरून की अगर बात करते हैं गाइस, तो ये फ्रांसीसी कैनेडाई फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद हैं, जो हॉलीवुड की मुख्य धारा के लिए विज्ञान कथा और महाकाव्य फिल्में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें, जेम्स एंडरसन, तो जेम्स माइकल एंडरसन जो है, जिसे आमतौर पर जिमी एंडरसन के रूप में जाना जाता है, एक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो लंकाशायर काउंटी क्रिकेट क्लब और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आज ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और यूवेंटस के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने बोलोगना के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरवेंटी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? गाइस बताना है कि एयरवेंटी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया है। और एयरवेंटी ऐप है क्या दोस्तों, तो बताना चाहूँगा आपकी कि नगर निगम ग्रेटर मुंबई महाराष्ट्र ने प्रोफेक्ट सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च किया है, जो गहन देखभाल इकाई, बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस किसी कंपनी के द्वारा, ये मुंबई नगर निगम और ऑक्टवेयर नाम की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है ऑक्टवेयर, इन दोनों लोगों के द्वारा, ठीक है, इस जो है ऐप को तैयार किया गया। किस ऐप को, एयरवेंटी ऐप को। और ये ऐप करेगा क्या, ये क्या करेगा कि गहन देखभाल करेगा कि बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता क्या है, जो अस्पताल हैं या आईसीयू जो हैं, इंटेंसिव केयर जो यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता क्या है, उसकी जानकारी डॉक्टर्स को और लोगों को देता रहेगा, ठीक है। और यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की दोस्तों, तो आप मैप पे देख सकते हैं, ये पूरा एरिया महाराष्ट्र है, और इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर साल जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो वो किस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 मई को, हर साल 1 मई को जो है महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, और आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन आप में देना